नेक्स्ट वो चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको लिथोस्फीयर के बारे में बात कर लिया है, कॉन्टिनेंट्स का भी बात हो गया है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट हाइड्रोस्फीयर। सो हाइड्रोस्फीयर नाम से जैसा पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू वाटर। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है ना। सो यहाँ का मोर देन 71% ऑफ हिस्सा जो है वो वाटर का है, और उसमें भी जो वाटर है बहुत ही कम परसेंट, मैं बोलता हूँ लेस देन 1% भी अपने को प्योर फॉर्म में पीने के लिए मिलता है। बाकी कुछ परसेंट हमारा ग्लेशियर्स में है, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो सॉल्टी है ओशंस में। सो हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरियस ओशंस के बारे में। सो जो मेजर ओशंस हैं हमारी वो है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्कटिक। सो ये जो आप ऑर्डर देख रहे हो इसी तरह से इनका साइज वाइज ऑर्डर है। तो अब हम लोग सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, जो हम बात करेंगे वो है पैसिफिक ओशन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ओके, सो जो पैसिफिक ओशन है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओशन है। ओके, इट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 1/3 ऑफ वाटर। ओके, पैसिफिक का एक एरिया है जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये आपको जापान के पास पाया जाता है, रिंग्स ऑफ फायर जापान और उसके नेबरिंग कंट्रीज के आसपास है। इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे आए दिन अर्थक्वेक और वोल्केनोस इरप्शन होते रहते हैं। एंड नेक्स्टली, अब पैसिफिक ओशन जो है किस किस को, कौन से कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करते हैं, तो एक सर्कुलर ओशन है ये। ये जो है नॉर्थ अमरीका, ओके, नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका, नेक्स्ट इज सब एशिया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो ये इन चारों कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करती है। ओके, पैसिफिक के बाद हमारे ऑर्डर में बताइए दूसरा कौन सा ओशन था जो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ओशन वॉज अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन है बराबर। दिस साइड इज कॉल्ड एज ईस्टर्न, दिस साइड इज कॉल्ड एज वेस्टर्न। सो ईस्टर्न साइड में ये आपके नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे कौन सा है बच्चों, साउथ अमेरिका। ये दोनों सराउंड करते हैं और इस तरफ आप आ जाओगे टुवर्ड्स ईस्टर्न ड्राइव, यूरोप एंड अफ्रीका, ये इसको सराउंड करते हैं। इस ओशन का आप अगर शेप देखोगे तो समथिंग लाइक एस शेप में। और इस ओशन की सबसे खास बात क्या है कि ये नेचुरल हार्बर्स बनते हैं इस ओशन में। ऐसा इसका कॉस्ट लाइन ही है कि वो नेचुरल हार्बर्स बना देता है। इस वजह से ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से अटलांटिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा और बिजिएस्ट ओशन है एज फॉर द ट्रेडिंग पर्पस एंड नॉट इन एरिया। एरिया वाइज तो आपका पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात आती है आपकी इंडियन ओशन की। दिस इज द ओनली ओशन जिसका नाम एक कंट्री के ऊपर से पड़ा है और इसका शेप समवर्ड लाइक दिस ट्राइंगुलर शेप में, आपने देखा होगा इंडिया के मैप पे, इंडिया के नीचे जो है वो ट्राइंगुलर शेप में आता है। सो इसको ऊपर की तरफ, इसका ये एशिया
अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया को बाउंड्री करती है, मीन्स इनके बाउंड्रीज पे है लोकेटेड होती है इंडियन ओशन. ओके, सो नेक्स्ट ओशन दैट इज ऑन आवर लिस्ट इज सदर्न ओशन. सदर्न ओशन के बारे में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है. सदर्न ओशन टूवर्ड लोअर पोर्शन में आता है जो अपना एंटार्क्टिक के पास से टूवर्ड 60 डिग्री साउथवर्ड एक्सटेंड है इसका. ओके, ये इतना आप लोग जान लीजिए. और आर्कटिक जो कि सबसे छोटी ओशन है आर्कटिक, ये कहाँ आएगी आपके ऊपर, आर्कटिक सर्कल के पास. ओके, तो इसका मेजर पोर्शन कहाँ कहाँ है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. इसमें आपको एक और चीज याद रखना है कि जो ये आर्कटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है उन दोनों को एक स्ट्रेट से ये लोग सेपरेटेड है. उस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट. सेपरेट मतलब ये समझ लीजिए कि स्ट्रेट इन दोनों को ज्वाइन करता है. ओके, वो पॉइंट को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट. स्ट्रेट आर नथिंग बट ऐसे होते हैं जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, मे बी सी को ओशन से या टू ओशंस को कनेक्ट करती है. सो हियर वी एंड अप विथ आवर दिस टॉपिक ऑफ हाइड्रोस्फीयर. इन द कमिंग लेक्चर आई विल बी टीचिंग यू ऑन एटमोस्फियर एंड बायोस्फियर. टिल देन, गुड बाय.